कुछ नहीं मेरा भाई, गाइस पसंद भी आ गई ना तो शायद हम बुक भी कराएंगे। इस निकल पड़े हैं भाई हम महिंद्रा के शोरूम में। किसा चीज कर रहा है गाड़ी शोरूम में? ले गया ना बात जाऊ सीधा। क्या बता ले भी आऊ, कुछ नहीं मेरा भाई, सही बताऊ। या खड़ी गाइस थार रॉक्स, या खड़ी बाहर खड़ी है यार। आगे ले ली सी है कनिका, पर भाई गाड़ी सही बताओ ना, अच्छी बना रखी है अंदर। कितना स्पेस लग गया थार पूरी बदल दी मैं। इतना सही स्पेस है, लेग रूम सही है, पीछे से लुक कुछ ऐसी आ रही है भाई गाड़ी की। रे फिर भी ता नचाने आड़ा, मैं चोरारी आड़े आड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम सभी को, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है गाइस एक नए व्लॉग में। तो मैं हो चुका हूँ रेडी गाइस, और कहाँ जा रहे हैं आज? थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा भाई। आज हम जा रहे हैं गाइस नई गाड़ी देखने के लिए, और जो कि हमारा प्लान था कि एक बार थार आ जाओगी ना तो एक बार वो भी और जाके देखेंगे। तो थार आ चुकी है, नई वाली थार। कनिका का नाटक है, गाड़ी चेंज नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी अगर पसंद आ गई तो। मैं जाना नहीं चाह रही आज, मैंने पता है, क्योंकि इसने स्कॉर्पियो ने एक साल भी नहीं होने दिया था, इसने चेंज कर दी थी। ये मेरा एंडेवर का डर चढ़ रहा है, एंडेवर के आगे तो थार नहीं ले सकता, पता ना के इसके दिमाग का कुछ। भाई यार पसंद आ गई तो फिर क्या दिक्कत है कनिका? ना उसकी एवरेज अच्छी है, एवरेज अच्छी है, चल मान ली, पर कंफर्ट तो थार में उसमें ज्यादा है ना एंडेवर में। ऐसा कुछ ना है, कुछ नहीं मेरा भाई, गाइस पसंद भी आ गई ना तो शायद हम बुक भी कराएंगे। प्लान तो हमारा ही होगा कि बुक करके ही आए। मारा बस... मारा मत कर, तेरा तेरा मारा तेरा, मैं मारा। इस डिसीजन में तेरे साथ ना। मारा मतलब कुकू का भी कुकू के बेरा। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं के होगा के नहीं होगा, बाकी आपको बता दूंगा। 100% बुक कर गाऊंगा, 100% ठीक है। गाइस मैंने आज पहनी है भाई ब्लैक शर्ट बहुत दिनों बाद, और वही जोड़े वाली पैंट मम्मी ने जोड़ा के यार कई बार। तो बताओ कैसी लग रही है गाइस यहाँ पे देख के, और थोड़ा वर्कआउट भी किया था आज मैंने सुबह सुबह, आपको देख ही रहा होगा। बाकी एक दिन में क्या दिखेगा यार। चलो इसने मेरा पार्ट लिया कि हम जाने लग रहे हैं, तो इसकी एक्साइटमेंट चालू हो गई है। देख अब मन कह लेके जाओ। हाँ के है? नहीं नहीं आप यहीं रहोगे मैं। चलो भाई बारिश का मौसम हो रहा है गाइस जबरदस्त, कल रात से बारिश होने लग रही है, कल रात से ही। इन कि मेरा पार्टी है, चप्पल की नहीं कर दी। बारिश के मौसम में गाड़ी की सी हो रही, देख लो कुकू भीतर धुके मारन लग गई मेरा दिन। चोनू ओ अरे यार ले चलना साथ में। गाइस निकल पड़े हैं भाई हम महिंद्रा के शोरूम में। अरे कोई प्रमोशनल वीडियो ना आया कि तुम सोचते प्रमोशनल वीडियो है भाई, थार का मेरा मन है लेने का, क्योंकि फाइनली वो 5 डोर में आ गई है भाई। तो कनिका दया बात कह मैं लूंगा ना, पर अगर इसको नहीं लेनी है तो मेरी गैल क्यों बैठ का आई? तू लेकर आया इस मारी कोई सबूत नहीं है, तू गैल क्यों बैठ का आई है? और भाई आज सारा शूट करने वाला है गोविंद। हेलो राम राम सभी को, क्या हाल है भाई? सबके कमेंट में बता दिए भाई, बता दिए सबके, थार लेने जा रहा भाई भाई। तो जरूर लेंगे। अरे भाई ये गाड़ी रील्स जो तुमने देखी होंगी ना, जो खतरनाक एडिट हो रही है इंस्टा पे यूट्यूब पे देखी होंगी, वे भाई ने कर रखी है सारी, कई आने वाले व्लॉग्स में गाइस गोविंद आपको दिखेगा एडिट, और मतलब रील्स वगैरह एडिट करेगा। अब आपको हमारा कंटेंट ज्यादा दिखेगा, अब हम थोड़ा सा अपना वे ऑफ वर्किंग है वो थोड़ा चेंज करने वाले हैं, थोड़ा नहीं पूरा पूरा। बाकी भाई मौसम एक नंबर का, और हम मस्ती सा चीज कर रहा है, गाड़ी शोरूम में ले गया ना और बाद जाऊं सीधा ऑफ रोडिंग कर आऊंगे यार। लेकिन इस गाड़ी को मेरा बेचने का मन नहीं कर रहा भाई, लेकिन कुछ नहीं मेरा भाई, जब नई चीज शोरूम में दिखेगी ना तो बड़ा मन एकदम पलट जाएगा, तो देखते हैं क्या होने वाला है आज। नहीं या खड़ी गाइस थार रॉक्स, या खड़ी बाहर खड़ी है यार। ये लाल कितनी लंबी है यार, ये लाल ए आड़ा लगा देता हूं पहले अपनी गाड़ी, और फिर देखते हैं गाइस को रिस्क। गला वटियां वटेदार उमर दी होली हड़िए तू नहीं बच के रे, ओ पक्की गाड़ी अके अब छान पत्रो सर चले छोटा गल बात बची है
कैसी लग रही है गाड़ी? चलो इसमें तो फुट स्टेप है। अपने में भी है वो, हमने तरवा रखे हैं। फिर तू लगवा ले। लगवाऊंगा जल्दी, ये जब चेंज कर देंगे तो फिर। ये टॉप मॉडल नहीं है ना भाई? टॉप में पूरा पीछे तक आ जाएगा रूफ। यो तक इसमें तो कुछ भी ना आवे। कुछ भी ना आवे, कुछ भी। अच्छा। घना छोटा है। यो भी कुछ कौन है? छोटा है। ये कौन सा मॉडल है फिर? बीच वाला है ये? टॉप से एक नीचे। अच्छा ऑटोमेटिक है यार, ये ऑटोमेटिक आ गई भाई। ये तो यार स्टीयरिंग वाइज तो मेरे को अच्छा लगा। स्टार्ट मत करना। अच्छा इसका वो क्यों ना ऑन हो रहा है भाई? बुकिंग्स अभी चालू है नहीं तो कनी क्या करते, शुक्र मनावा है। चलो बच गए हैं। पर वाई गाड़ी से बताओ ना, अच्छी बना रखी है अंदर, मजा आ गया। रैंगलर जो है ना 70-80 लाख रुपए आदमी उसमें इतने वेस्ट करे, ये वर्थ है भाई। इतने पैसों कितना स्पेस लग गया, थार पूरे बदल दी ने। हां पीछे तो ही पूरा स्पेस है, पीछे बैठ के देखिए। पीछे बैठ के थार बदल दी। पीछे सही स्पेस है, लेग रूम सही है, सब कुछ रंडी है। तीन कितनी आराम से बैठ जा, मैंने तो ऐसा लगा एंड पर मैं तीन ना बैठते, पीछे की इतनी छोटी लग गई मैंने। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है, एंडेवर तो बत्ती चौड़ी थोड़ी ना है यार। बस इसका जो बीच वाले मॉडल है उसमें यो फर्क है भाई, उसमें सिर्फ सनरूफ है। सुन जब मून रूफ खुल लगा पूरा, डिग्गी देखा पीछे से लुक कुछ ऐसी आ रही है भाई गाड़ी की, बारिश आ गई है वैसे तो। चलते हैं, आओ बैठो भाई। तो हमारा प्लान हो गया ड्रॉप, क्योंकि ना तो टेस्ट ड्राइव हो रही, अरे भाई ना ये गाड़ी फोल्ड कर दिखा, क्योंकि एक PDI कुछ होता होगा इनका, वो भी हो जाएगी। आपकी कौन सी? तो वो होने के बाद जब गाड़ी खोलेंगे वो। चला भाई प्लान ड्रॉप। तने गाड़ी आई पसंद करनी होगा? नहीं फिर पर इतनी ना आई, एक महीने छोड़ के वाले हो। अच्छा या भी रखनी वा भी लेनी है ना? वा लेनी है क्यों? मेरी बात सुन यार, डिग्गी का स्पेस कितना दे रखा है ट्रैवलिंग के लिए। एक चीज हो रहा है, रुदने ना उड़ ध्यान ना दी के 5 सीटर है वो। अरिया 7 सीटर है। हां तो सबसे बड़ा तो एक यही हो गया, मतलब डिसएडवांटेज हमारा। पिछली सीट पाऊं भी कौन में लगा दे हैं, जिसने लेकर जाए है वो का होएगा ना होएगा, कोई फायदा ना होता। चलो देखते हैं यार, थार रॉक्स मतलब क्या बता, ले भी आऊं कुछ नहीं मेरा भाई, सही बताऊं एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे। असल में दिक्कत ये हो रही है हमारी गाड़ी की, एवरेज बहुत कम है और हमारी भी रनिंग बहुत ज्यादा है, तो लाखों का तेल लगा चुका है। इतने में एक दो गाड़ी आ जाती, जितने का तेल लग चुका है इस गाड़ी में। तो मैं जय हमारे सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी चेंज करके ना वाले लूं, उसकी एवरेज थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। क्या होया? हाँ बोले चेंज ना कर, देखेंगे टेस्ट ड्राइव करने के बाद। या तो एक काम करना, छोटी मोटी गाड़ी वो ले ले, लोकल मार्केट दाई पैसे बचाने के, उससे ये डबल पैसा खर्च करवाएगी। तो वो डबल पैसा एक के बार तो खर्च होगा, बार बार थोड़ी होगा। चलो देखते हैं भाई, जो भी होगा टेस्ट ड्राइव के लिए कल गाड़ी आ जाएगी हमारे पास, या पता नहीं भाई आज भी आ जाए, बात चल रही है मेरी तो। देख गेट पर ही था गेट पर ही था। इसका गुस्सा दिखाता हूँ भाई आपको, देखो एक बार इसने क्या कराया होगा। मैंने ज़ूम कर लिया, रियलिटी वही कर रखा है, सुसु कर दिया गुस्से गुस्से में। इन्हें अपना गुस्सा उतारा है, देखिए दिखाओ भी ना यहाँ पे कुछ किया, देख लो तुम मूर्खो। कुकू गंदी बात है यार, गंदी बात। गाइस गाड़ी देखने गए थे भाई और बुक करने गए थे, तो वो काम तो हो नहीं पाया, लेकिन भाई एक इम्पोर्टेंट काम था जो कि मुझे करना था,
आपके मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं भाई, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लगे मेरे को। मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ कि जो आज तक कभी Q&A में नहीं आए, क्योंकि मैं मतलब आपने हमारी सारी चीज़ें सुन ली हैं कि भाई हम कैसे मिले, कब मिले, किसने पहले बात करी, कौन कहाँ था, कौन क्या कर रहा था, ठीक है, इनकम से लेके, गाड़ी से लेके, घर क्या था लेके, रिलेटिव से लेके, तो उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे आज। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगे और मतलब नहीं यार फनी भी लगे। तो पहला क्वेश्चन भाई बहुत ही फनी है, ये पूछा है इरफान खान भाई ने। आ जाने कर लिया, आ जाने, नींद आ रही है। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा यार, मैंने दिन में ना इस टाइम कती सी नींद आ है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो। आ है यो क्यों यार, आ है, आ हुआ है बोले, अगर आ है मेरी शुरू तो आदत है, आ है आ है किस आदत है यार। तो क्वेश्चन सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ही है, हाँ क्वेश्चन ही है यार ये। इरफान खान ने पूछा है, आप और रोहित में से किसको बेबी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? इसी को है भाई, आप और किम्मी में से। मेरे को बेबी का इंतज़ार है, सबको ही है मेरे ख्याल में, आप लोगों को भी होगा इंतज़ार है ना, सबको इंतज़ार है भाई, मेरे को भी है, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार हम दोनों में से कनिका को है। अच्छा क्वेश्चन था यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज सुजाता शर्मा का, कनिका आज तक टोटल कितने ट्रिप हो चुके हैं आप लोगों के, फ्रेंड्स फैमिली विदाउट फैमिली एंड कपल ट्रिप भी सारे बताओ। तो भाई गिनती नहीं है यार, हमने कभी गिने को। मेरा प्लान है गाइस कि मैं इस दीवार पे ना एक पूरा मैप बनाऊं। हां तू ये घर का मुझे स्तंभ बना दे, ये घर ना घर मत रहने, पूरा मैप बनाऊं और फिर जहां जहां हम गए हैं ना, जहां जहां हम गए हैं उसके बारे में लिखूं, तो जो ऋषिकेश की जो लाइन होगी मेरे ख्याल में वो तो भाई घनी भर जाएगी। ऋषिकेश का जो रोड है ना पूरा भर जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं गाइज। आप ये सुनो, ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आप बताओ जो हमको डेली देखता है ना वो बताएगा कि हमने कितने ट्रिप्स करे हैं अभी तक, ठीक है, पिछले दो साल से। चलो शादी के बाद कहीं बता दो। पिछले दो साल से लॉगिन कर रहा हूँ ना मैं, तो आप बताओ कितने की है। ये क्वेश्चन आपसे शुरुआत करी थी अपनी ट्रिप की, तो वहां से आप बता सकते हो कितने इंटरनेशनल ट्रिप थे, बिल्कुल बिल्कुल नेशनल ट्रिप और कितने हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, के नाम है यो उषमा, उषमा उषमा सैनी जी का क्वेश्चन है कि आप 16 प्रो कब लोगे, एप्पल का नया फोन कब लोगे, जब आप दिलवाओगे? बहुत जल्द, और अब की बार मेरा होगा, क्योंकि मैं ईब ताई 14 प्रो तक काम चला रही थी, मन नहीं हो रहा, मैंने तो फोन नहीं पानी है। किसी लगा यार क्या कहती है। तो गाइस हम जब ट्रिप पर जाएंगे ना तो वहाँ से नया फ़ोन लेके आएंगे, और इस बार किमी का नया फ़ोन आने वाला, क्योंकि इसको दो साल हो गए इसके फ़ोन को, और इसके फ़ोन में वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं कनी का? कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसको रखूँगी, मैं बेचूँगी नहीं, वो फ़ोन भी रखेगी और वो भी रखेगी। हाँ, तू बहुत शानी है। मैं हूँ शानी, क्या कर सके, क्यों लेकर आया था इतनी शानी, देख लिया भाई खर्चे का घर है लड़की, खर्चे का घर क्यों है, इतना हुए हम कमावे दवावे है, जब अपनी बेसिक चीजें नहीं, बेसिक चीज तो तेरे पास है ना, ये रॉकेट बच्चा फोन है गाइस, एक टीबी का फोन है इसका, एक टीबी का फोन है, पर ये कैमरे की क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है, तो उस हिसाब से मेरे को नया फोन लेके आना, कैमरे की क्वालिटी वैसे ये चीज तुम्हारे लिए सोच रही है ये ना, 0.5 उसको भाई जबरदस्त फीचर दे दिया कैमरे का, यो फीचर अच्छा 0.5 जो वाइड एंगल हो वो ब्लर ना हो, इव जो हम वीडियो बना है, जब हम बना है ये फिर बना है, बना हुए है, बना है, अरे वो किसी किसी के आदर में दिल्ली, मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती है इसकी। अरे ठीक है ना, मैं ये मैंने घर के तो बचपन था, हरियाणवी मन्ना बोलो, हरियाणवी मन्ना बोलो, स्कूल में के समझेंगे कतिए इसे है अजीब से देसी, हरियाणवी बोले यार ये इरिटेटिंग गर्ल, ये घर में तो सारे हरियाणवी बोलने थे ना, तो वहां मेरी मिक्स हो गई, ये हिंदी हरियाणवी मेरा सब के मिक्स हो, हां है हां है, तो हिंदी वर्ड बोल रहा हूं, लगो तू ये नहीं देख रहा, झूठ लग है तू यार, ये ग्रामर है, लैपटॉप के शर्मा गाल दूं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हो गया यो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल डागर का, गाइज अपकमिंग सॉन्ग डेट कब है? नया सॉन्ग गाइज जल्दी आने वाला, ओ रिलीज हो गया ना वो गाना, ऑडियो एक आध दिन में गाइज ऑडियो रिलीज हो जाएगी उसकी। गिटार सॉन्ग आ रहा है हमारा नया, रिलीज कर देंगे। पहले उसकी ऑडियो आएगी इंस्टाग्राम पे और फिर उसकी वीडियो आएगी, और वो हम खुद की है, वो हम दोनों ने खुद शूट करी है गाइज, तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का ही है, नाचे भोलेनाथ सॉन्ग के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, वायरल होगा या नहीं? भाई बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मेरी ना यह बात हुई थी अजय भाई तभी कि उन्होंने ना बहुत लेट रिलीज किया वो, है ना, इस तो, बात का खामियाजा हमें हाँ, भरना पड़ेगा। लेकिन उसकी रील्स भाई बहुत वायरल हुई, हिट करेंगे। हमारा जो प्लान था ना कि इतना शायद नहीं जा पाएगा क्योंकि लेट डला था, लेकिन उसके हिसाब से भी बहुत रील्स बनी भाई। कितनी रील्स बनी, 80,000 रील्स तो बन चुकी है गाइस अभी तक उसकी। और कितना अमाउंट रिसीव हुई? अच्छा इनकम पूछ रहे हैं, इनकम इनकम गाइस वो जो गाना है ना वो अजय भाई के चैनल पे है, तो अजय तो पूछो इनकम कितनी हुई होगी, उनको मैसेज करो, हाँ, कमेंट करो। ठीक है भाई, कितनी करोड़ हुई, लाख हुई, पूछो हजारा हुई, उनको मैसेज करो इंस्टा, उनको करो मैसेज, पूछो कि हम रोहित शिकारा कनिकाराणा ब्लॉग चैनल से आए हैं और हमें आप अपने सॉन्ग, हमारे मतलब जो ये सॉन्ग था इसकी इनकम बताओ, और फिर आप लोग जब अजय आपको बता दें कि ये इनकम है फिर हमें बता, फिर हमको बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है या कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट है शायद, शिखा जी का कॉम्प्लीमेंट है। With situations you are you made a independent intelligent good thinker and kind hearted girl। और कनिका दी आप रोया मत करो, आपको देखकर मुझे भी रोना आता है, पता नहीं आपसे अपनों जैसा अटैचमेंट है, जब भी रोती हूं तो मुझे बुरा फील होता है, ये लिखा हुआ है भाई कमेंट। और बीच में रोहित का फोन का स्पेस फुल हो गया, इसलिए मेरे जैसा 1TB लेके आना चाहिए तेरे को। अच्छा कॉम्प्लीमेंट था भाई शिखा जी का, लेकिन अगर जब ये रोती है तो मेरा बिल्कुल रोने का मन नहीं करता, मेरा इसको कूटने का मन करता है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम रोने लग गई है गाइस। मैं बहुत टाइम से इतना नहीं रोई हूँ। अच्छा, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सिचुएशन में आपको आप ये सब बने, तो वो सिचुएशन बचपन से शुरू हो गई थी, क्योंकि रोना चल मान ले भैया रोना चाहिए आदमी को, लेकिन इतना भी नहीं कि सारी हरियाणा रोए जा, वो चुटकुला नहीं है, एक थाली बैठी थी सोचा रोए लूं, इसका वो काम हो जाएगा दीवार। बेकाम रो लेगी यार, मान लो हम कोई मूवी देख रहे हैं ना, अगर कोई सीन आ गया उसमें रोना लग जाएगी यार, इमोशनल। ये खुद इस लाइन में है, शी इज अ इन्फ्लुएंसर एक्टर, इसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जब तू मूवी देख के रोती होगी तो लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते होंगे, तो वो मैं दिखाती थोड़ी हूं। अच्छा मैं तो दिखाऊंगा भाई, मैं तो नहीं दिखाती। तब बताओ भाई, मैं भी ना रो भाई, हमारे घर इतना बड़ा दुखाया, मैंने फिर भी उस हिसाब से कुछ नहीं। अरे मैं वो चीज रोने की नहीं कह रहा, मैं मूवी वाली बात कर रहा हूँ, वो तो मेरा नेचर है, उसको हम बदल थोड़ी सकते हैं। कोई नहीं, लेकिन तेरा थोपड़ा बदल सकता हूँ मैं, तू कुछ ना बदल। जब तू रोए, जब तू ऐसे बेफालतू रोएगी ना, यो ईद के नहीं उगाल दूंगा ये सर में, लैपटॉप देख की जाएगी, नुकसान काम का ही बात कर रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, ये है निखिल रोहिला जी का, क्वेश्चन नहीं है ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और थोड़ा वैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब तत्म स्क्रिप्टेड करते हो क्या, पूछे खासकर रोहित, एक भी वीडियो का टाइटल ठीक नहीं लगाता, क्लिक बेट लगाता है। भाई वो पहले आया था जब मैं वर्ल्ड में पहली बार लिखा था एक बार, लेकिन अब मैं कई बार क्या करता हूँ कि मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने लाइव में डाला था गुड न्यूज मिली क्वेश्चन मार्क उस पे, खुद ऐसी छुट्टे बताती है ना, कितना नोटी है रोहित। अरे थोड़े बहुत तो प्रैंक टाइटल में भी तो होने चाहिए यार, सारी के लिए बात बताओ, आप तो डेली व्यूअर्स हो, नया व्यूअर कैसे अट्रैक्ट होगा, कैसे वो हमारा वीडियो देखेगा? अट्रैक्ट की बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो देख, इंटरेस्टिंग टाइटल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए व्लॉग, है ना, इसलिए होता है, तो ज्यादा वो टेंशन मत लो। डेली तो ऐसा तो है नहीं भाई, डेली गलत डालते हैं, एक आधी बार हो जाए तुम भी थोड़ा एडजस्ट कराया करो भाई। देख रुक जा, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, ये लोग देख रहे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन गाइस, किसी का
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये मैंने कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिया आपके, क्योंकि भाई बिल्कुल सेम से भी एक क्वेश्चन से आ रहे थे जिनके जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। एक नया क्वेश्चन एक ये भी आया था, कौन कौन चाहता है कि हर्षया व्लॉगिंग स्टार्ट करे, ये क्वेश्चन है सुमन जी का। तो आपके तो भाई इतने सारे कमेंट आए थे, हालांकि मैंने भी उन तक कही है कि तुम एक आधी बार व्लॉग बना लिया करो यार, चुनू गया चुनू इतना क्यूट रहे, उसकी क्यूटनेस दिखा दो है ना, और कुछ कुछ चीज़ें कुछ यूनिक करो, प्रैंक कर लो। तो मतलब मेरे हिसाब से उसको नॉर्मल ब्लॉगिंग नहीं, उसको थोड़े एडवांस वीडियो बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो तू बता बाकी क्यों नहीं, क्यों नॉर्मल ब्लॉगिंग क्यों नहीं, सब नॉर्मल ब्लॉगिंग तो सब बना कर रहे हैं यार, तुम भी बोर हो जाओगे देख देख कर। नहीं क्यों मारते ना, कहे जाते मारते भी कहे जाए, तो ईब तो अभी इसमें घुस चुके हैं ना। तो मेरी तो वही यही ओपिनियन है मेरा कि अगर वो वीडियो वगैरह बनाती है हर्षा, तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बनाए कि मतलब आर पार की, क्यों ठीक है। तो इसके साथ आज का हम लोग गेम एंड करते हैं गाइस, ठीक है, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, और ब्लॉग को शेयर कर देना भाई, ताकि जो भी क्वेश्चंस थे जिनके पास मतलब जिनके मन में ये क्वेश्चंस थे हमसे पूछने के लिए, ताकि उनके क्लियर हो जाए ये सब कुछ। और भाई थार की टेस्ट ड्राइव हम बहुत जल्दी करके आएंगे, आपको दिखाएंगे भी, और अगर हमारा प्लान बनता है थार लेने का तो वो भी आपको बता देंगे। बाकी सब कुछ डिपेंड ऑन है, तो अच्छी अगर कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे तो इसकी दो तरह की बात है भाई, दो तरह की बात है, अच्छी है अच्छी पर हम लेंगे नहीं। हाँ तो क्या, स्पेस पूरा है रोहित, पर हम लेंगे नहीं, लेनी नहीं है लेकिन हम देखने जा रहे हैं। यह बात तो मानता हुआ तू भी, जब लेनी है नहीं तो क्यों देखनी थी, घर के नहीं गए अर्जी सराय जाना है नहीं, तो तू ले गया मैं खुद गई हूँ। अच्छा मैंने दोनों, मैं इसका हाथ पकड़ कर ना जबरदस्ती ले गया हूँ। बाकी तब बताओ भाई कमेंट करके कि थार रॉक्स ली जाए या नहीं ली जाए, लेनी चाहिए भाई, लेनी चाहिए थार रॉक्स, मेरी कमेंट लेनी चाहिए, लेनी चाहिए ना गाइस, कमेंट में बताओ आप, तो बता दियो ठीक है। अगर आप लोग कहते हो अधिकतर कमेंट की थार रॉक्स लेने के आए, तो लेंगे भाई, थारिये मानेंगे और किसकी मानेंगे। ओके टाटा, वेल लव यू ऑल।